क्यों ये झूठी घोषणा करे? वित्त मंत्री जी ने घोषणा की दिव्यांगजनों का 5 करोड़ तक का जो है टैक्स माफ है। 5,000 की हमारी आय नहीं है, 5 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। वाह वाह लूट रहे हो। जो आम आदमी को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है, तो समानता कहाँ है? हमें लगता है क्या योजना मिल रही है हमें? अब ये व्यक्ति है, देखिए आप, मैं कहूंगा दोनों हाथ से गायब हाथ नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरी इन पे फोकस किया हुआ है कि इनकी वोट डलाएंगे, चाहे इनका अंगूठा ही लगवाना पड़े वहाँ, बटन दबाएंगे, चाहे इनके द्वारा कोई और खड़ा करे वहाँ वो बटन दबाएगा। लेकिन क्या इसके लिए योजना नहीं है? कैसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार का लोन सरकार नहीं दे सकती है बैंक के माध्यम से, ताकि ये कोई अपना छोटा मोटा कोई दुकान कोई राशन की छोटा अपना कार्य जोड़ सके, अपना गुजारा कर सके। इनकी दुर्दशा बहुत बेकार होगी जब इनके माँ बाप नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप तरस आता है अपनी औलाद पे चाहे कैसी भी हो, लेकिन भाभी ताई चाची रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। अपने लिए अपने भविष्य के लिए लड़ो, अपना हक अधिकार मांगो, हराम का किसी का ना छीनो, जो अपना अधिकार है उसे छोड़ दो ना बिल्कुल। ताकि अब ये बोल रहे कि उनके पास समय ही नहीं आने के लिए, उनके पास समय नहीं है तो हम तो चल ही सकते हैं जैसे भी है। हफ्ता दो हफ्ते का हम समय देंगे विभाग को, अगर नहीं बात हमारी मानी जाती है तो फिर आचार संहिता लगे चाहे कुछ भी हो, फरवरी के महीने में हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनशक्ति प्रदर्शन के माध्यम से फिर आएंगे यहाँ दोबारा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनके हाथ नहीं है, लोग इनके पास बैसाखी भी नहीं है, ये भी आए हुए हैं यहाँ पे। दूर दूर राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पे, अपनी मांगों को लेकर आए हैं। इनकी 13 मांगे हैं जिनको ये लेकर आए हैं। हम आपको यहाँ पे पोस्टर दिखा देते हैं। यहाँ पे पोस्टर देखिए, भारतीय दिव्यांग यूनियन, ये इनका यूनियन है, और यहाँ पे मुख्य 13 मांगे इन्होंने लिखी हुई है कि पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमा देनी चाहिए, BPL में इनको शामिल करना चाहिए, और 4% नौकरी के आरक्षण को बढ़ाकर 15% कर देना चाहिए। तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर इसको लेकर आप? क्या कहना जी, तो जो हमने मांगे लिखी है ये हमारी नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा ही जो घोषणाएं की गई थी उन्हीं को हमने लिया है। अगर हम अपनी मांगे इच्छा जाहिर करें तो पता नहीं कितनी होगी एक आम आदमी की भी। हम तो कहते जो आपने कह के हमें लालच में लिया और अपनी सरकार बनवाई, तो अब 5 के बजाय 7 साल हो चुके, 10 साल होने वाले है, तो वे मांगे आचार संहिता से लगने से पहले अगर आपने पूरी कर दी तो दोबारा से फिर हम आपके साथ है। आपको अगर ये मांगे करते हुए 10 साल हो चुके हैं? हाँ 10 साल हो चुके हैं, बताइए। हाँ। पिछले 5 साल में इन्होंने दिव्यांग शब्द नाम रखा, उस बीच में नहीं किया। हाँ। अगले 5 साल जो इन्हें समय मिला उसमें इन्होंने कुछ घोषणाएं की कि पूरे किएंगे। हाँ। अब इनके अधिकारियों के पास मंत्रालय के पास गए कि ठीक है बजट बन रहा है, आएगा आएगा, आने से ये खत्म ही हो गया। तो जिस प्रकार से चुनाव के समय में हमारे पास आए थे, अब चुनाव के समय में हम इनके पास आ रहे हैं आपके माध्यम से। अब सुबह से बैठे हैं 7 बजे से, यहाँ बोल रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे, 5 बजे तक हमें परमिशन है धरने की। अगर 5 बजे तक ये अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से कोई भी अधिकारी अगर हमारी बात सुनने के लिए नहीं आता है तो इधर इनकी जिम्मेदारी खत्म, उधर से हम पैदल निकलेंगे सीधा मंत्रालय की तरफ। अभी मंत्रालय की तरफ निकलेंगे अभी सीधा। तो आपको लग रहा है कि कुछ करेगी सरकार, सुनेगी? 10 साल से आप लोग लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, और 10 साल से भाजपा की सरकार है, और भाजपा कहती है कि 10 साल बेमिसाल। हाँ बेमिसाल है, बहुत किया है इन्होंने अलग अलग विभाग में, लेकिन ये बताइए हमें क्या किसी को रोजगार मिला है? स्वरोजगार योजना के तहत किसी दिव्यांग को लोन मिला है किसी प्रकार का? किसी दिव्यांग जन का कोई आयुष्मान कार्ड बना हो, BPL कार्ड बना हो, किसी का मकान आए हो? अब मकान में भी इन्होंने 1,10,000 रुपया भेजा, जिसमें 3-3 लाख रुपये में मकान बना, एक कमरा एक बरामदा एक रसोई का। अब तो इन्होंने तो बोलते नहीं कि अड़काई गादड़ी के कान पकड़वा दिया, अब उसे छोड़ दे तो मरे और ना छोड़ दे तो मरे। हैं इधर से जांच आ रही है बार बार, मकान तैयार करो, कर्ज कहाँ से लाए हम? मकान 3 लाख में खड़ा होता है, कमरा एक बरामदा एक रसोई को आप 1-10 में दे रहे हो, क्या करें भाई उस चीज़ के लिए? तो किया इन्होंने जितना किया, जितनी घोषणाएं की वो पूरी नहीं हुई अभी तक, इसीलिए याद दिलाने के लिए आए। शासन को फिलहाल DCP साहब के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किया है, अवगत कराया है कि हम प्रत्येक ज़िले से कुछ दो दो चार चार पदाधिकारी ही आएंगे, ज़्यादा संख्या नहीं लाएंगे। हफ्ता दो हफ्ते का हम समय देंगे विभाग को, अगर नहीं बात हमारी मानी जाती है तो फिर आचार संहिता लगे चाहे कुछ भी हो, फरवरी के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनशक्ति प्रदर्शन के माध्यम से फिर आएंगे यहाँ दोबारा। तो आप लोग किन किन राज्यों से आए हैं? अब हमारे सर है राष्ट्रीय सचिव जी हिमाचल से है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है मध्य प्रदेश से है, ये उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी है, चंदौली से, ये आगरा से है, अलग अलग जिले अलग अलग राज्यों के जो मैन दो दो पदाधिकारी है उन्हें बुलाए गए हैं फिलहाल। हाँ। भीड़ नहीं है। और इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन करा था कहीं? इससे पहले हमने देखिए 1 दिसंबर 2021 को प्रथम धरना लखनऊ में था, जिसमें
500 से 1000 की पेंशन की घोषणा की थी, ठीक है उन्होंने वो पूरी की है, लेकिन उसके बाद भी और भी घोषणाएं थी, वे नहीं हुई पूरी। हम उसके बाद हम गए जुलाई में गए, फिर अब मार्च में गए, यानी कि 21 में गए, 22 में गए, 23 में गए, 3 साल तक बराबर जनशक्ति प्रदर्शन के द्वारा हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एक दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समय नहीं लगा कि हम लोगों से मिले। और क्या कारण है कि आप इतनी संख्या में आते हो, इतने परेशान होते हो, आम आदमी नहीं चल सकता है, हम लोग कैसे रेंग के गिरस के पहुँचते होंगे? तो सुनवाई करने के लिए क्या एक मिनट का समय नहीं है उनके पास? हमारा मुलाकात हुई नहीं आज तक उनसे इस बारे में। आते हैं, ज्ञापन दो, उनके अधिकारी लोग बैठे रहते हैं आगे, 10 सेंटर पे कॉल कर लो, चेक ऐसे कर लो, आँखें लगा के भेज देते हैं, निष्कासित हो चुकी है, बस। किसी से ये भी पूछने के लिए नहीं आते, आपने सूचना डाली थी, सही है गलत है क्या कारण है, कोई मतलब नहीं है। आगे मतलब आप सूचना दे चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है? सूचना हमने 10 दिन पहले दे थी पार्लियामेंट थाने में कि हम लोग इस मंत्रालय को जो है ज्ञापन देंगे और मैन 20 से 30-50 मुख्य पदाधिकारी ही आएंगे और ये ज्ञापन दे के अपने घर आराम से लौट जाएंगे। अब ये कौन खाना खाने के लिए नहीं गया, इधर से कोई इधर उधर नहीं गया है 5 बजे तक? अब ये बोल रहे कि उनके पास समय ही नहीं आने के लिए, उनके पास समय नहीं है तो हम तो चल ही सकते हैं जैसे भी है। हाँ। तो हम निकलेंगे फिर अभी बस। लेकिन जो भी यहाँ से भी जाएगा आप लोगों को रोक नहीं दिया जाएगा, आप लोग जाएंगे? कैसे रोकेंगे, इनकी परमिशन तो 5 बजे तक ही है ना, मैं यहाँ तक जाएंगे तो हम फिर भी वैसे भी अगर 5 बजे के बाद रुकते हैं तो फिर इनके गलत नियम है कि धरने की परमिशन 5 तक थी, ख़त्म क्यों नहीं किया? यहाँ से तो हम ख़त्म कर रहे हैं ना धरना, हम मंत्रालय में जा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं। तो मंत्रालय में ऐसे थोड़ी ना जाने दिया जाता है, आपको रोक दिया जाएगा? तो अधिकारी है जो विधायक लोग सांसद लोग आते हैं हमारे से पूछ के थोड़ा आवे कि हम आपसे वोट मांगने के लिए आवे, आपका समय कब लगेगा? जब इनकी मर्जी हो ये आ जाए, आज हमारी क्या सरकार से हम मिल नहीं सकते क्या? एक पिता को, एक बेटे को अपने पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी? सरकार तो एक पिता एक माई बाप है, परमिशन लेनी पड़ेगी उससे मिलने के लिए? नहीं, कभी भी जा सकते हैं, किसी टाइम भी जा सकते हैं। क्या अगर रोकेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि भाई ये मेरे हिस्से की ना खा ले, या इनको पता ना लग जाए कि हम इन्हें लूट लूट के खा रहे हैं, ये गलत है भाई। वो तो हम जाएंगे जरूर, अगर वे जायज़ है और पता लगे कि हाँ इनसे मिलना चाहिए तो हमें समय देंगे, नहीं तो उठा लो भाई अपने लाठी डंडे जो है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि आप लोगों को हर क्षेत्र में अलग से दिया गया है, काम दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ अलग से बनवाया गया है आप ही लोगों के लिए। बताइए दिव्यांगजन की कहीं शिक्षा फ्री हो या उनके ऊपर आश्रित जो व्यक्ति हो, बताइए। अब पेट्रोल अगर अपनी एक्टिवा में गाड़ी में भराना हो क्या उसके लिए छूट है? आप गाड़ी में, रोडवेज में, कहीं भी अन्य राज्य की में जो क्या छूट है बताइए? क्या आप जिसको पात्र गृहस्थी 5 किलो राशन मिलता है क्या आपको 35-40 मिलता है क्या? जो आम आदमी को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है तो समानता क्या कहाँ है? हमें लगता है क्या योजनाएं मिल रही है हमें? वो कहते हैं 500 रुपये प्रतिमाह देते हैं और उत्तर प्रदेश में तो 1000 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। आपको मैं एक एवरेज बताऊँ, पहले जब पेंशन 300 थी उस समय सिलेंडर 450 था, उसके बाद पेंशन 500 हुई, सिलेंडर 650-700 के आसपास, यानी कि 150 का औसत ही आज भी लगा रहे हैं। अब पेंशन 1000 की हुई तो सिलेंडर भी वही 1100 कुछ रुपये का हो गया था, कहीं ना कहीं 150 रुपया तो हम फिर भी हमें नीचे रख रही है। अब क्या सिलेंडर के लिए खाना और भी बहुत आइटम है, वो चीज़ भी तो चाहिए हमें? चाहे आप खूब महंगाई करें, आप चाहे कुछ भी उदाहरण बिचाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सरकार अपनी स्वरोजगार योजना के तहत अपनी गारंटी पे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का ऋण दे, जिसकी जैसे हिसाब से उसको ऐसा ऋण दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो है तो उसकी वैल्यू 10,000 की, उसको 1 लाख दे दो, नहीं, उसके हिसाब से उसको लोन दे दो जितना भी है, जिससे वो अपनी आजीविका आराम से चला सके, अपना गुजारा कर सके। अब ये व्यक्ति है, देखिए आप, मैं कहूँगा दोनों हाथ से गायब हाथ नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरी इन पर फोकस किया हुआ है कि इनकी वोट डलाएंगे, चाहे इनका अंगूठा ही लगवाना पड़े वहाँ, बटन दबाएंगे, चाहे इनके द्वारा कोई और खड़ा करे वहाँ वो बटन दबाएगा, लेकिन क्या इसके लिए योजना नहीं है? कैसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार का लोन सरकार नहीं दे सकती है बैंक के माध्यम से, ताकि ये कोई अपना छोटा मोटा कोई दुकान, कोई राशन की छोटा अपना कार्य जोड़ सके, अपना गुजारा कर सके? शादी ब्याह तो दूर की बात, तो अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं? माँ बाप अगर जीवित ना रहे तो क्या इसके भाई भाभी ताई चाची इसको खाना दे देंगे क्या? सही आदमी को तो खाना नहीं मिलता, अपाहिज को कौन खाना देगा? इनकी दुर्दशा बहुत बेकार होगी जब इनके माँ बाप नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप को तरस आता है अपनी औलाद पे, चाहे कैसी भी हो, भाई को भी आ जाता है एक बार, लेकिन भाभी ताई चाची रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं, कोई नहीं आगे जाकेगा भाई तुम्हारी तरफ। इसीलिए कहता हूँ कि अपने लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ो, अपना हक अधिकार मांगो, गलत कुछ ना कहो किसी को भी, हराम का किसी का ना छीनो, जो अपना अधिकार है उसे छोड़ दो ना बिल्कुल भी। हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे।
तो जो अभी इतनी योजनाएं चलाई हैं वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री विकलांग योजना, विकलांग योजना और शादी योजना, उससे मतलब एक बार भी आप लोगों को 10 साल में लाभ नहीं मिल पाया है। चलिए सरकारी योजनाएं मानी 35,000 रुपया, अगर पत्नी विकलांग है तो 20,000 मिलता है, अगर दोनों पति पत्नी विकलांग है तो 35,000 मिलता है। उस 35,000 में से 2,000 तो विवाह पंजीकरण के है या नहीं है, 2,000 तो वे खर्च हो गए, और 3-4 हज़ार रुपया आने जाने में, किराए भाड़े में इनके बाबू लोगों को देने में खर्च हो गया। वो 20-25 हज़ार रुपया जो बचा उसमें क्या घरेलू राशन लाए, क्या हम मकान बनाए, क्या हम उसके लिए सामान खरीदे, क्या करें हम उसका, क्या शादी विवाह में जो शादी अनुदान में जो पैसा मिला उससे गृहस्थी बच जाएगी क्या अपनी? तो क्यों ये झूठी घोषणा करें? वित्त मंत्री जी ने घोषणा की दिव्यांगजनों का 5 करोड़ तक का जो है टैक्स माफ़ है, 5,000 की हमारी आय नहीं है, 5 करोड़ का टैक्स माफ़ कर दिया, वाह वाह लूट रहे हो, कम से कम इतनी आय तो करो हमारी कि हम टैक्स भी दे सके, हमारे से ले लो आप टैक्स, हमारी आय तो करो इतनी। खाली झूठी है घोषणा है, 5 करोड़ का टैक्स माफ़ है सरकार पे दिव्यांगजन पे, लेकिन जब उसकी इतनी आय ही नहीं है तो उस टैक्स का फ़ायदा क्या है कहने का। लेकिन आपको जब 10 साल से मतलब नहीं सुन रही थी सरकार, तो बीच में जब चुनाव हुए थे तब आपने सरकार बदलने की नहीं सोची क्या? देखिए सरकार बदलना ना बदलना ये प्रत्येक संगठन के हाथ में नहीं है, ठीक है, और भी सामाजिक संगठन है, हम क्या कर सकते हैं, हम विचार को बदल सकते हैं। हमने क्या कहा था उस समय भी, धरने में भी कहा था और पिछले चुनाव में भी कहा था, जो कोई भी सरकार अपने घोषणा पत्र में दिव्यांगजन की एक भी मांग शामिल करती है तो भारतीय दिव्यांग यूनियन या विकलांग समाज उसका खुला समर्थन करेगा। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ला दिया कि हमारी सरकार आई तो हम विकलांगों को आवास देंगे, पेंशन बढ़ोतरी करेंगे, इनको रोज़गार देंगे। अब इन्होंने घोषणा पत्र में ला दिया तो हम लालच में आगे दे दिया वोट। अब हम आए हैं चुनाव के टाइम में, अगर ये हमारी घोषणाएं पूरी नहीं करती है तो जाहिर सी बात है भाई ले लो वोट। तो मतलब इस बार फिर 2024 में सरकार बदलेंगे अगर नहीं सुनती सरकार है? सरकार बदलने से मतलब नहीं है जी, सरकार किसी की भी आए, जो कोई भी सरकार अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे को, देखिए राजस्थान में शादी अनुदान 5 लाख रुपये मिलता है पति पत्नी को, 5 लाख में आराम से जीवन निर्वहन कर सकते हैं, अन्य राज्य भी तो करे है? तो जो कोई भी सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आए, जो अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे का पूरा करती है तो हम उसको खुला समर्थन करेंगे, चाहे पार्टी किसी की हो सरकार किसी की हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इन लोगों से बातचीत करी और ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से सरकार नहीं सुनती, ये लोग मंत्रिमंडल तक अभी जाएंगे, वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जाएंगे अगर यहाँ से सरकार नहीं सुनती है तो, और 10 साल से ये लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है, तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या सरकार को इनकी सुननी चाहिए? क्योंकि 10 साल से जो ये लोग मांगे रख रहे हैं और जो ऐसे लोगों को मतलब 500 रुपये प्रतिमा में इनका गुजारा भी नहीं हो पाता है, 500 रुपये में प्रतिमा में गुजारा नहीं हो पाता है, फिर भी सरकार इनका बढ़ा नहीं रही है, आरक्षण नहीं दे रही है, BPL में शामिल होने की भी मांग कर रहे हैं ये लोग, आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहें जनता आवाज़।